रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित बैठक में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के सेक्टर ऑफिसर, राजस्व अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों तथा सभी नोडल अधिकारियों को निर्वाचन के संबंध में मार्गदर्शन दिया गया। बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने कहा कि जिले में प्रथम चरण का चुनाव अधिकारियों ने शानदार तरीके से संपन्न किया है। दूसरे चरण के मतदान के लिए भी सभी तैयारियां कर ली गई हैं। पंचायत चुनाव के लिए आप सबको जो जिम्मेदारी दी गई है उसका भलीभांति निर्वहन करें। चुनाव आयोग ने हमें असीमित शक्तियां दी हैं, जिनका प्रयोग करते हुए निर्भय और निष्पक्षता से निर्वाचन कार्य संपन्न कराएं। सेक्टर अधिकारियों तथा मतदान दलों को किसी भी तरह की कठिनाई होने पर उसका तत्काल निराकरण किया जाएगा। सेक्टर ऑफिसर अपने क्षेत्र का आज से ही पुलिस बल के साथ लगातार भ्रमण करें। सेक्टर ऑफिसर रिजर्व दल के सदस्यों को आवश्यकता के अनुसार मतदान केंद्रों में अवश्य तैनात करें। मतदान दलों को ठहरने, भोजन, शौचालय आदि की पूरी व्यवस्था की गई है। सेक्टर ऑफिसर सामग्री वितरण से लेकर सामग्री जमा होने तक अपने सेक्टर पर ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि कितना भी सबल व्यक्ति होगा, यदि वह निर्वाचन व्यवस्था में व्यवधान डालेगा तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी सजग रहकर निष्पक्षता के साथ निर्वाचन कार्य का दायित्व निभाएं। सभी ने प्रथम चरण का चुनाव बहुत ही अच्छे ढंग से संपादित कराया है। दूसरे चरण का निर्वाचन भी इसी आत्मविश्वास और मनोबल के साथ संपन्न कराएं। मतदान के समय किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति होने पर पूरी धैर्य के साथ उसका सामना करें। वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल स्थिति से अवगत कराएं। मतदान केंद्र में मतदाता के लिए ऐसी व्यवस्था करें कि सुगमता से मतदान हो सके। मतगणना भी मतदान केंद्र पर ही होगी। सभी मतदान केंद्र पर्याप्त बल तैनात रहेगा। सेक्टर ऑफिसर निर्वाचन से जुड़े हर कार्य में समन्वय करें। बैठक में पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने कहा कि सभी पुलिस अधिकारी दूसरे चरण का मतदान 1 जुलाई को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए आज रात से ही तथा 29 एवं 30 जून को अपने निर्धारित क्षेत्र का लगातार भ्रमण करें। भ्रमण के दौरान वारंटियों पर प्रभावी कार्यवाही करें, बाउंड ओवर की कार्यवाही कराएं तथा प्राप्त होने वाली सभी शिकायतों का मौके पर पहुंचकर परीक्षण भी करें। जो भी व्यक्ति निष्पक्ष निर्वाचन में किसी तरह की बाधा डालने अथवा अशांति का प्रयास करे उस पर कठोर कार्यवाही करें। पुलिस अधिकारी तथा सेक्टर अधिकारी आवश्यक दवाएं, रैन कोट, टॉर्च तथा दैनिक आवश्यकता की अन्य वस्तुएं अवश्य वाहन में रखें। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े ने मतदान केंद्र की व्यवस्थाओं तथा स्थानीय कर्मचारियों को सौंपे गए दायित्वों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्र की व्यवस्था के संबंध में संबंधित जनपद के CEO को फोन पर बताएं तथा कानून एवं व्यवस्था के संबंध में संबंधित SDM से संपर्क करें। हर मतदान केंद्र में कम से कम 15 कर्मचारी मतदान दल के सहयोग के लिए तैनात किए गए हैं। बैठक में वाहन व्यवस्था, सामग्री वितरण, मतदान प्रक्रिया, मतगणना प्रक्रिया, सामग्री जमा करने तथा आपात स्थिति में की जाने वाली व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई। बैठक में अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, एडिशनल SP अनिल सोनकर, एडिशनल ASP विवेक कुमार लाल तथा अन्य संबंधित अधिकारी व पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।